हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो शाओमी का नया स्मार्टफोन आने वाला है मी 11 लाइट 5G, मैं आपको इसके सारे स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूँ। पर दोस्तों, इसके कंपटीशन में आपको एक स्मार्टफोन देखने को मिलता है जो कि रियलमी GT मास्टर एडिशन, जो कि अभी लॉन्च हुआ है। दोस्तों, इन दोनों स्मार्टफोन का हम करने वाले कंपेरिजन, आपने इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए और आपने Mi 11 Lite 5G का वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको ये वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। और चैनल पर कभी पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इन दोनों के डिजाइन की कभी बात करते हैं, तो Mi 11 Lite 5G के जो डिजाइन है वो आपको एकदम स्लिम और लाइट वेट देखने को मिलती है। और दोस्तों, इसमें आपको बैक में ग्लास बैक देखने को मिलता है। और Realme GT मास्टर एडिशन में आपको जो ग्रे कलर है, इसमें आपको बैक साइड में लेदर फिनिशिंग देखने को मिलती है, देखने में काफी अट्रैक्टिव लगता है। और जो ब्लैक और व्हाइट कलर है, इसमें आपको मेट फिनिशिंग देखने को मिलती है। दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की अभी बात करते हैं, तो Mi 11 Lite 5G में आपको 6.55 इंच का 10 बिट का फुल HD+ एमोलेड पैनल देखने को मिलता है। इसमें आपको 90 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट आता है और 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिलता है। इसमें आपको HDR10 का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। दोस्तों, Realme GT मास्टर एडिशन की अभी बात करते हैं, तो इसमें आपको 6.43 इंच का फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है और 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिलता है। डिस्प्ले के मामले में दोनों स्मार्टफोन में आपको दो तीन चीजें ऊपर नीचे देखने को मिलती है। दोनों स्मार्टफोन के कैमरे की भी बात करते हैं, रियल साइड में आपको दोनों में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। Mi 11 Lite 5G स्मार्टफोन में आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 5 मेगापिक्सल का टेली माइक्रो कैमरा देखने को मिलता है और 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। और Realme GT मास्टर एडिशन में आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 2 मेगापिक्सल का सुपर माइक्रो लेंस देखने को मिलती है। और फ्रंट में आपको इसमें 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। दोनों का कैमरा आपको डिसेंट क्वालिटी का देखने को मिलता है। दोस्तों, इन दोनों स्मार्टफोन में परफॉर्मेंस की कभी बात करते हैं, तो इन दोनों में आपको सेम प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि एक नई चिपसेट है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 778G 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है। ये 7 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे वर्क करता है। दोस्तों, ये जो चिपसेट है ये आपको काफी पावरफुल चिपसेट देखने को मिलती है। इसमें आप हाई ग्राफिक्स पे एकदम स्मूथली गेम खेल सकते हो। इन दोनों के बैटरी की कभी बात करते हैं, तो Realme GT मास्टर एडिशन में आपको 4300 mAh की बिग बैटरी देखने को मिलती है। साथ ही इसमें आपको 65 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है जो कि आपके स्मार्टफोन को 33 मिनट में 100% चार्ज कर देता है। और Mi 11 Lite 5G स्मार्टफोन में आपको 4250 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। साथ ही इसमें आपको 33 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है जो कि आपके स्मार्टफोन को 60 मिनट में फुल चार्ज कर देगा। इन दोनों के प्राइस की बात करते हैं, तो Realme GT मास्टर एडिशन में आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलती है। इसके प्राइस आपको 26,000 से लेके 30,000 तक देखने को मिलती है। और Mi 11 Lite 5G स्मार्टफोन की प्राइस आपको 25,000 से लेके 28,000 के अंदर देखने को मिलेगी। और इसके लॉन्च डेट की कभी बात करते हैं, तो ये स्मार्टफोन आपको एंड सितंबर तक इंडिया में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन आपको काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। दोनों के आधे से ज्यादा जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको सेम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, मैंने Realme GT मास्टर एडिशन के ऊपर थोड़े दिन पहले वीडियो बनाया है, उसकी वीडियो की लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हो। दोस्तों, इसका जो डिस्प्ले वो एकदम आपको काफी स्मूथ देखने को मिलता है। तो कभी गेमिंग कैमरे के लिए कोई अच्छा स्मार्टफोन चाहिए तो आप इन दोनों स्मार्टफोन को ले सकते हो। पर आपको जल्द से जल्द कोई अच्छा स्मार्टफोन चाहिए तो आप Realme GT मास्टर एडिशन को ले सकते हो। पर दोस्तों, आपको कभी एकदम अल्ट्रा स्लिम और लाइट वेट स्मार्टफोन चाहिए तो
इसके लिए आपको थोड़े दिन वेट करना पड़ेगा, जो कि मी 11 लाइट 5G स्मार्टफोन, ये भी आपको थोड़े दिन में इंडिया में देखने को मिलने वाला है। दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन में से आपको कौन सा स्मार्टफोन अच्छा लगा आप कमेंट्स करके जरूर बताइए। और दोस्तों वीडियो को भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए वीडियो लाते रहते। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।